बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 150 से अधिक आपराधिक मामले वाले अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने में कोई गुरेज नहीं करते हैं। लेकिन बिहार में अशांति और अपराध पर सरकार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कभी कुछ नहीं बोलते। बिहार के शासन प्रशासन की निगरानी में भी अपराध चरम सीमा पर है। अब ताजा घटना राजधानी पटना से सामने आई है। बालू माफिया और उसके गुर्गों ने एक महिला माइनिंग इंस्पेक्टर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। इंस्पेक्टर मिन्नतें करती रही पर गुंडों ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक स्थानीय थाने की टीम मदद के लिए नहीं पहुंच गई। माइनिंग टीम के सदस्यों को भी पीटा गया। इस मामले में महिला माइनिंग इंस्पेक्टर सहित टीम के कई सदस्य भी घायल हुए। जब माफिया और उसके गुर्गों ने खदेड़ना शुरू किया तो किसी तरह से टीम के सदस्य वहां से भाग निकले, लेकिन इंस्पेक्टर घिर गई। ये टीम बालू ओवरलोडिंग की जांच करने के लिए गई हुई थी। पिटाई का वीडियो भी सामने आया है जिसमें बदमाशों को पत्थरबाजी करते हुए और महिला को घसीटते हुए भी देखा जा सकता है। बदमाशों ने महिला को घसीटते हुए पीटा। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंजुमन इस्लामिया में आयोजित इफ्तार पार्टी में भाग लिया और हाथ फैलाकर नमाज की मुद्रा में दिखे। घटना की जानकारी जैसे ही पटना वेस्ट के सिटी एसपी राजेश कुमार को मिली, वे कई स्थानों पर पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए। पिटा में हुई इस घटना के संबंध में 3 FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने 44 लोगों को गिरफ्तार किया है और कई लोगों को दबोचने के लिए छापेमारी जारी है। ईंट पत्थर से भी हमला किया गया था। यह घटना परेव गांव की है। जिला खनन विभाग की महिला इंस्पेक्टर जांच के लिए गई हुई थी। इससे पहले 150 ओवरलोडिंग ट्रकों को भी पकड़ा गया था, लेकिन बालू माफिया और उसके गुर्गों ने सारे ट्रकों को छुड़ा लिया। बता दें कि यह घटना 17 अप्रैल की है, जिसमें लगभग दोपहर के 2 बजे महिला के साथ इस तरह की घटना हुई थी। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी हो रही है और मामले में कार्रवाई की जा रही है। SSP ने बताया कि टीम भेजी गई है। फरवरी 2023 में छपरा के बालू माफिया ने पूरी खनन टीम को जिंदा जलाने की भी कोशिश की थी और उन पर पेट्रोल छिड़क दिया था। सितंबर 2022 में बालू माफिया के बीच हुई गोलीबारी में 5 लोग मारे भी गए थे। बालू माफिया या तो पुलिस से सेटिंग कर लेते हैं या फिर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। खैर, बिहार में जुर्म के ऊपर नियंत्रण रखने में बिहार सरकार कितनी सफल रही है या तो नालंदा सासाराम के दंगों से साफ पता लग जाता है, पर अब महिला इंस्पेक्टर के साथ हुए इस तरह के हमले से यह साफ जाहिर हो जाता है कि बिहार में कानून व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है। बिहार में बालू माफिया पर सरकार और कानून कितना सख्त है।